वही बंदे लेके आ गए भाई, मोस्ट वेलकम। यही होती ना बात, रात को पैसे दिए थे इस वजह से भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे, उम्मीद रखता हूँ खैर ऑफियत से होंगे। जैसे कि आज एक नए वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। आज फार्म्स के अपडेट्स बताऊंगा। अभी हमारे मिस्त्री और मजदूर भाई चले गए आज, हमने फिर हमें ज्वाइन किया क्योंकि रात को थोड़े पैसे दे के, तो इस वजह से। बाकी वो देख सकते हो, बाकी फार्म के हवाले से मैं आपको अपडेट देता हूँ। बाकी इस गाय के हवाले से आपको मैं जैसे कह रहा था, ये फॉर सेल के लिए अवेलेबल है, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड हो चुकी है। इस भाई को दे दिया, अल्लाह इस भाई की नसीब करे। बाकी आप देख सकते हो गाय, अल्लाह भाई की नसीब करे, अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट। अच्छा दोस्तों, फार्म के अपडेट्स ये है, इधर से तो बछड़ी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पिलर आप देख सकते हो दोस्तों, पिलर इनकम्प्लीट थे, इसमें एक एक मतलब रद्दा बोलते वो एक एक रह गया था, तो आज कंप्लीट कर दिया। बाकी ये पिलर फुल खाली था, इसको भराई किए, वो पिलर खाली था उसकी फुल भराई किए, वो सामने वाला पिलर खाली था उसकी फुल भराई किए से। बाकी इनको मसाला मसाला लगाया सेड़ों से क्योंकि ये जरा खुले थे, वो वाला पिलर चढ़ाया है। सही है दोस्तों, इतना काम हुआ है। बाकी इधर ये मिस्त्री साहब से सीखे मंगवाएंगे, जो कुंडे होते हैं इस तरह, ये कुंडों की वजह से ये इनकम्प्लीट रह गए, वरना ये भी कम्प्लीट हो जाता। बाकी इधर इसके अंदर जो बाजरी आती है ना बड़ा बड़ा, तो वो भी हमारे पास नहीं था, तो वो भी इंशाल्लाह सुबह आ जाएगा, अभी बता दिया। बाकी ये साइड हम करने की कोशिश में थे, फिर बात उधर ही आ गई, रुक गई, ये झाड़ू भी आई थी देख सकते हो, क्योंकि वो कंक्रीट आएगा ना, कंक्रीट का जो मसाला बनेगा, तो उसमें मसाला बना के इसमें हम डाल देंगे एक लेवल पे, एक कुरली भी हो जाएगी। बाकी उस कुरली को भी कल इंशाल्लाह सेट कर लेंगे, इस कुरली को भी थोड़ा साइड एक्सटेंड कर लेंगे, 10 फुट तक आ जाएगी, अभी मतलब 3 फुट पे है। बाकी ये गाय देख रहे हैं माशाल्लाह, अभी इसको अंडा लगेगा, हमने कहा इंशाल्लाह इसकी चूड़ीदार जब चली जाएगी तो इंशाल्लाह इसके ऊपर टाइट खुआरी शुरू करेंगे। और अभी जो बंदा आया था जो हमसे गाय लेकर गए, इसके पास फतेह जंगी वेड़ा है जो रेसों में बगाता है, तो इससे मेरे इसके बारे में हुई कुछ बात इसके बारे में, तो वो कह रहे इंशाल्लाह ये मेरे ऊपर आपका हो गया। तो बाकी ये जब हीट पे आएगी तो इंशाल्लाह फतेह जंगी से क्रॉस करने का तो मेरा मूड है, बाकी इंशाल्लाह भाइयों से मशवरा करेंगे क्योंकि हम मशवरे से ही चलते हैं। माशाल्लाह ये चूजे मुझे भी आप लोगों को देखा हूँ दोस्तों, काफ़ी बेहतरी आ गई। इसको मैंने कहा इनको थोड़ा खुला छोड़ा कर, क्योंकि इसने बंद किए होते इस हमारे लड़के ने, तो मैंने उनको बोला यार कुछ टाइम दिया करो ये, क्योंकि डरता है इधर बिल्ली आती है, इस वजह से हम कह रहे हैं ऐसा ना हो, इधर कौन ख्याल रखेगा, कोई उठा के ले जाएगा बिल्ली या कौआ, तो इस वजह से। माशाल्लाह जे की उठ गया, अभी इसका ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया माशाल्लाह। इसका भी डिवॉर्मिंग का मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, डिवॉर्मिंग करके और फिर इसको साफ सुथरा करके फिर इंशाल्लाह इसको मैं बांधूंगा। अब अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो इंशाल्लाह इसको खुराक लगाने का मेरा मूड हो रहा है, इनको बताया भाई को अच्छी खुराक लगाते हैं और इसको बांधते हैं एक ही जगह पर, इंशाल्लाह अभी आप देख लो और इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसका आफ्टर दिखाऊंगा। ये ऐसा समझो ये भी हमारे लिए बिफोर है, इंशाल्लाह आफ्टर भी आप लोग साथ शेयर कर दूंगा। इसका पर भी देखना, इसकी शाइन भी देखना, कुछ इंजेक्शन है कुछ चीज़ें वो डॉक्टर से मैंने पूछे इसके बारे में, थोड़ा मैं फ्री हो जाऊँ ना इधर काम से, इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत मेरा फोकस है कि इसको थोड़ा ठीक करता हूँ। बाकी कबूतर भी आओ दोस्तों दिखाऊँ, दाने का टाइम है और ऊपर कर दिया तो कबूतरों को भी। सही है दोस्तों, कबूतर देख सकते हो माशाल्लाह, सारे उड़ के चले गए। बाकी खरगोश दिखाऊं दोस्तों, दो वो चिल कर रहे हैं माशाल्लाह, एक ये असर के टाइम में व्लॉग बनाता हूँ दोस्तों, बस खाना वगैरह तो किया है, चुवाई का टाइम होता है तो देख सकते हो दोस्तों। बाकी धुआं मुआ जरा जल रहे पीछे, उस चीज को जरा माइंड ना करें। गाय की प्रोग्रेस आप देख सकते हो दोस्तों, इसका सातवां या छठवां महीना चल रहा है। अच्छा दोस्तों कह रहे कि जरा डरती है पीछे रहो, बाकी चोई शुरू है माशाल्लाह देख सकते हो दोस्तों।
थोड़ा दूर इससे कड़ा होना पड़ता है। तस्वीर हमारा देखो माशाल्लाह। बाकी दोस्तों इसके इधर सेटिंग करते उस जगह पे रहा, अब इंशाल्लाह इसको मंडा मंडा लगेगा। डॉक्टर को अभी भी कॉल किया, डॉक्टर ने कहा मुझे इसकी वीडियो बना के सेंड कर, मैं भी वीडियो बनाने आया था तो मैंने कहा चलो दोस्तों आप लोगों को भी ज़रा देखा हूँ माशाल्लाह आई थी कैसी और कैसी होगी, क्योंकि उसकी बुखारी भी चल रही है। जैसे मैंने बताया कि इसको मैं फतेह जंगी का इंशाल्लाह रखवाने की कोशिश करूँगा माशाल्लाह। बाकी आप देख सकते हो दोस्तों कैसी हो गई, आप लोग खुद देख लो माशाल्लाह। इधर कड़ी करो मत ले जाओ। तो दोस्तों इधर ही व्लॉग को एंड करेंगे, इधर डॉक्टर को वीडियो बनाता हूँ इस वजह से व्लॉग को एंड करें। होप अगर आपको ये वीडियो चली तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।